पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सेवादी सर्विंग संस्था द्वारा बाल दिवस और विश्व दयालुता दिवस के शुभ अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना था। कार्यक्रम में बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन के साथ खेल, नाच, गाने और भी अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये शुभ दिन सेवादी सर्विंग के गुरुकुल और सेवादा सर्विंग कंप्यूटर क्लासेस और एसटीएस सिलाई क्लासेस के बच्चों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेवादी सर्विंग के सभी सेवक भी मौजूद रहे। संस्था की संस्थापिका मानुषी रस्तोगी ने बताया कि सभी बच्चों ने सेवकों के साथ बाल दिवस और विश्व दयालुता दिवस पर बहुत ही हर्ष के साथ मनाया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम सिटी आलोक कुमार मिश्रा, आलोक कुमार वर्मा और पंकज कुमार सक्सेना रहे। यस मैम, आपकी कौन सी ये संस्था है और क्या कार्यक्रम? सर, ये सेवादा सर्विंग एनजीओ है और इसकी मैं संस्थापिका हूँ। सर, आज हम लोग 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे, साथी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा सर गुरुकुल है जिसमें नियर अबाउट 55 अंडर प्रदेश किड्स एजुकेशन ले रहे हैं। सर, तो आज हमारा मेन मकसद था कि बच्चों के चेहरे पर किसी न किसी तरीके से मुस्कान ला सके। सर, तो बच्चों के लिए आज लंच का अरेंजमेंट करा था और साथ ही सर पूरी टीम ने जो है बच्चों के साथ कुछ गेम्स, डांस, इस तरीके की प्रिपरेशन रखी थी ताकि आज हम सब अपना जो टेंशन होता है उसको भूल कर दें, ये सब बच्चों में खुशियाँ जो है वो फैला सके। और साथ ही सर आज सारी टीम जो है एकत्रित हुई है ताकि जो भी सर हमने पिछले एक साल में जो भी किया है सर उसको एक बारी रिव्यू कर सकें और सर आगे हम लोग प्लान कर सकें कि फ्यूचर में हम लोग किस तरीके से बच्चों के साथ।